हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल कार्निवल। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में वादा किया था कि अपकमिंग वीडियो आपको साइंस सेंटर में दिखाऊंगा, आज मैं साइंस सेंटर आया हूं और अभी टिकट ले लिया हूं। साइंस सेंटर ज़्यादातर 5-6 विंग्स में डिवाइडेड किया गया है। एक म्यूजियम है और एक फन साइंस देखने को मिलेगा और स्पेस शटल ऐसा कुछ है और 3D थिएटर है, प्लानेटोरियम है। अगर आप कॉम्बो टिकट लेंगे तो 160 रुपया पड़ता है, वो ज़्यादा सस्ता होगा। अगर आप एक दो विंग्स देखने के लिए चाहेंगे, मान लो कि आप म्यूजियम और 3D शो देखने के लिए चाहेंगे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इससे बढ़िया कि 160 रुपया पे कॉम्बो टिकट ले लीजिए और उसका जो ड्यूरेशन होता है 3.5 घंटा का ड्यूरेशन होता है और 3.5 घंटा काफ़ी होता है 5-6 विंग्स देखने के लिए। अभी मैं फन साइंस देखने के लिए जा रहा हूँ। गाइस, 45 मिनट्स के बाद मैं बाहर आ गया हूँ। मैं फर्स्ट फ्लोर में फन साइंस देख रहा हूँ। मैं अभी जा रहा हूँ डायमंड गैलरी देखने के लिए 3rd फ्लोर में। घंटा के बाद डायमंड गैलरी से आ गया हूँ। वर्ल्ड का बेस्ट फेमस डायमंड का प्रदर्शन किया गया है। अभी 3D शो से बाहर निकल गया हूँ। अभी टाइम है 1:22। 1:30 में प्लानेटोरियम शो चालू होगा, मैं अभी उसकी को देखने के लिए जा रहा हूँ। 3.5 घंटा बिताने के लिए जगह सही है और मेरे को 5-6 विंग से सबसे जो बढ़िया लगा वो म्यूजियम अच्छा लगा और 3D शो भी अच्छा लगा और प्लानेटोरियम में ठीक ठाक लगा है, ज़्यादा बुरा नहीं, ज़्यादा ठीक नहीं, लेकिन सबसे बढ़िया लगा मेरे को 3D शो और म्यूजियम। अगर आप साइंस सेंटर घूमना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया है कि आप सुबह आ जाइए, 10-10:30 बजे तक आ जाइए और फर्स्ट हाफ में आप फन साइंस देखिए। फन साइंस बड़ों के लिए कुछ नहीं है, वो छोटों बच्चों के लिए ठीक ठाक है, उसमें कुछ सीखने का या नॉलेज का कोई चीज़ नहीं है, थोड़ा बहुत छोटे बच्चों के लिए फन के लिए। आप टाइम स्पेंड कीजिए स्पेस सेंटर में, टाइम स्पेंड कीजिए, उधर देखने के लिए बहुत कुछ है कि कैसे एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं, कौन सा शटल जाता है और कौन सा ड्रेस पहनते हैं, कैसे फूड खाते हैं, सब कुछ उधर डिस्प्ले हो रहा है। और उसके बाद आप बजकर 10 मिनट में 3D शो चालू होता है। 3D शो में क्या है, आपको जैसे हम मूवी देखते हैं थिएटर में मूवी देखते हैं तो क्या होता है कि जो मूवी है वो स्क्रीन का अंदर ही रहता है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो स्क्रीन का अंदर ही रहते हैं, हमको वन साइड दिखाई देते हैं। लेकिन जो 3D शो होता है वो क्या होता है कि आपको एक अलग प्रकार का 3D चश्मा पहन के देखना पड़ता है
और आपको महसूस होगा कि जो ऑब्जेक्ट है, जो डिस्प्ले हो रहा है, जो मूवी डिस्प्ले पर हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट है वो आपका आसपास केंद्रित हो रहे हैं और आपको जैसे मान लो कि आपको टच करके जा रहे हैं और पर्दे के बाहर भी आ रहे हैं, ऐसे आपको महसूस होगा। लेकिन मैं रेकमेंडेड करूँगा जिसका थोड़ा हार्ट का प्रॉब्लम है वो 3D शो मत देखिए, क्योंकि 3D शो में अचानक आपको हार्ट अटैक भी आ जाएगा, ऐसे 3D शो चालू होता है। लास्ट में मैं देखा म्यूजियम जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से है और उसका पहले का नाम था लिखा हुआ है विनचेस्टर और अभी उसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल म्यूजियम। अंदर काफ़ी सारा चीज़ है देखने लायक और बहुत पुराना पुराना चीज़ है, 1718 एडी का बहुत सारा सामान रखा गया है देखने के लिए, बहुत सारा चीज़ है। 5th फ्लोर में डायमंड गैलरी है। डायमंड गैलरी में क्या कि वर्ल्ड का फेमस डायमंड का डिस्प्ले किया गया है और कौन सा डायमंड कब डिस्कवर गया था और उसको कैसे CTC उसका क्या था, कौन कितना ग्राम का था, कितना कैरेट का था। मान लो कि जैसे हमारा इंडिया का कोहिनूर है और कोहिनूर का धीरे धीरे कैसे ब्रिटिश के पास चला गया, सब कुछ डिस्प्ले के जरिए रखा गया है, आप देख के समझ जाएंगे। और आप जानते हैं कि सूरत सिटी डायमंड के लिए फेमस है, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा डायमंड सूरत सिटी में पॉलिश किया जाता है, तो वही डायमंड कैसे पॉलिश किया जाता है, उसका जो मशीनरी कैसे होता है और स्टोन डायमंड कैसे होता है, सब कुछ रखा गया है। डायमंड गैलरी मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो अपनी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि और भी दोस्त हमारा चैनल का साथ जुड़ सके और साथ में मिल के ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करेंगे तो अच्छा लगेगा।